हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ देखा था? हमने देख लिया था कि अंडरस्टैंडिंग हमने की थी क्लाइंट एंड सर्वर की, एक्चुअल में तो किया और बहुत सारी चीजें थी। जैसे हमने देखा था कि व्हाट इज नेटवर्क, क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्किंग डिवाइसेस, किन कौन कौन से टाइप्स के नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, ये हमने यहाँ पे एंड किया था कि क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है। हमने इसमें आपको क्या सिंपल सा चीजें बताई थी, आपको ध्यान हो गई कि मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ये क्लाइंट भी हो सकता है और ये सर्वर भी हो सकता है। ओके, सो हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे, आज फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर में हमारा थंबनेल क्रिएट नहीं हुआ था, तो ये हमारा थंबनेल रहेगा हर वीडियो के लिए। एंड इसमें कुछ चीजें जैसे कि नेटवर्क प्लस हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बट इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आप कोर्स पढ़ सकते हैं, अच्छा कोर्स है, बट ये वल्नरेबिलिटी और अटैक्स इन सब का कॉम्बिनेशन करके हम कुछ डेडली लाने वाले हैं प्लेलिस्ट में, बट अभी हम उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब आएगा तो बात करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ओके, पार्ट वन के लिए हम ये ऐड कर देंगे, पार्ट टू प्लस सेम पार्ट टू के लिए होगा, ठीक है। ओके, सो हमने ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीजें बता दूं कि जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि रिकैप के लिए, तो रिकैप हम हर 3 वीडियो के बाद करेंगे। 3 वीडियो के बाद ही क्यों करेंगे सर? क्योंकि 3 वीडियो के बाद आदमी ऑलमोस्ट पुरानी चीजें भूलने की कोशिश करता है, उसका दिमाग भुला देता है शायद तरीके से। अगर अच्छे से पढ़ा तो हमेशा याद रहेगा, बाकी अगर हमारी तरफ से पढ़ा है तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे 3 वीडियो के बाद रिकैप कर लें कि वो फिर हमेशा के दिमाग में बैठ जाए कि कैसे वर्किंग प्रोसीजर है। ओके, फिर भी हमने मैं आज थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि क्या होता है नेटवर्क। बताऊंगा नहीं, मैं टॉपिक्स के नाम याद दिला रहा हूँ कि आपको याद रहे कि हाँ हमने क्या पढ़ा था कि नेटवर्क क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि हमारा जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है, हमने वो देखे कि हमारे जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें से मैं कुछ आज लेने वाला हूँ और कुछ अगले वीडियोज में आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में लूंगा। उसके बाद हमने देखा था कि क्लाइंट एंड सर्वर कौन है, ठीक है, क्लाइंट एंड सर्वर कौन है। ओके, बस इससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, आज हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे हब, रिपीटर एंड हमारा मॉडेम पे। तो उसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मॉडेम पे। सो स्टार्ट कर देते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले बात आती है कि मॉडेम क्या है। अब मॉडेम का मैं डेफिनेशन दे सकता हूँ आपको, वो सब देंगे, बट सबसे पहले आप सीनरी समझ लीजिए। उसके अलावा आपको डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप बोलेंगे सर हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मान लीजिए एक पीसी यहाँ पे है, एक पीसी यहाँ पे है। ये जो पीसी है इस पे मैं बैठा हूँ, PC1, नाम मेरा क्या है अलाइस, और सामने मेरा दोस्त बैठा है उसका नाम क्या है बॉब। अब ये मत बोलना सर अलाइस बॉब यहाँ पे भी, ठीक है ना, अभी चला देते हैं ऐसे। ये PC2 है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे इंडिया में और जो मेरा दोस्त बैठा है वो जर्मनी में बैठा है, तो ऊंची पहुंच तो है ही। फिर अब आगे देखते हैं, अब 2-3 सीनेरियो ले लेते हैं, आपको अपने आप समझ में आता है कि मॉडेम का काम क्या है एक्चुअल में। सो सबसे पहली बात आती है कि जो ये मेरी पीसी है वो कौन सी टाइप की पीसी है। तो बोलना सर हमने देखा था कि ये सब क्या होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस होते हैं। सो डिजिटल डिवाइस का मतलब क्या है? तो सर डिजिटल डिवाइस का मतलब है जो 0 और 1 पे वर्क करता है। ओके, तो 0 1 पे वर्क करता है, तो मान लीजिए इसे एक डेटा भेजना है 10110, तो इसका मतलब जो इसका डेटा होगा वो सिग्नल में जब कन्वर्ट होगा तो कैसा कन्वर्ट होगा? तो वो कन्वर्ट होगा सर, अगर मान लीजिए इसे मैं 1 मानता हूँ, इसे 0, तो पहले ही हो जाएगा 1 एट कोई पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, जितना भी टाइम की बात हो रही हो। उसके बाद फिर हो जाएगा 0, उसके बाद फिर हो जाएगा 1, फिर से 1 एंड देन फिर 0 एंड फिर 1, ठीक है। तो ये उसका सिग्नल है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिग्नल बनाने की कोशिश कर देता हूँ। ये हमारा लाइन हो गया, यहाँ से ये 1 0 1, फिर से 1, फिर 0 एंड देन लास्ट में 1, ठीक है। यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक हमारा सिग्नल है। ओके, अब तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा बॉब है उसे भी सेम चीज मिले। क्या मिले उसे? नॉट गोइंग लाइक दैट कि हमें उल्टा बना रहा हूँ, बस आप समझ लीजिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा बॉब है उसे भी डेटा मिले। अब तकलीफ क्या है, दो तीन चीजों की हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि मेरे और बॉब के बीच में, इंडिया और जर्मनी के बीच में डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। सबसे पहला क्या है, जो डिस्टेंस है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है। ओके, सबसे पहला प्रॉब्लम तो हो गया कि सर डिस्टेंस ज्यादा है। उसके अलावा प्रॉब्लम क्या है कि जो ये वाले सिग्नल्स है ना कोई वायर में जा रहे होंगे। यस सर, डेफिनेटली इधर वायर होगा, तो मतलब इधर भी वायर होगा, बोले हाँ। तो जो ये वायर्स है ना, ये वाले वायर जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना डिजिटल सिग्नल को फ्लो करवा सकते हैं, डिजिटल सिग्नल। वो वायर कैसे होते हैं? कॉस्टली होते हैं। कैसे होते हैं? कॉस्टली होते हैं। अब आप सोचेंगे तो हाँ सर, तो मतलब अगर आप समझिए, अगर आपको इंडिया से जर्मनी तक के लिए कोई एक डेटा सेंड करना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा केबल बिछाएंगे कि डेटा सेंड करना है। हम अभी वायरलेस की सिनेरियो नहीं ले रहे हैं, आप ये मत समझिए कि सर वायरलेस की सिनेरियो ले, आप उसे मत भूल जाइए कि वायरलेस का क्या सिनेरियो है। बस आप ये समझिए जब हम वायर की बात कर रहे हैं कि भैया वायर चाहिए ही चाहिए, हमें डेटा सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो हमें वायर चाहिए, तो क्या आप इंडिया से लेके जर्मनी तक डेटा के लिए पूरा केबल बिछाएंगे? अगर आप केबल बिछाते हैं तो वो कितना कॉस्टली होगा, ये आप भी समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने नेटवर्किंग पढ़ा और बनाया, उन्होंने क्या सोचा कि पहले सबसे पहले क्या आया था, टेलीफोन आया था। मतलब ऐसे नहीं कि सबसे पहले, मीन्स टेलीफोन का आविष्कार इंटरनेट से पहले हुआ। तो जब टेलीफोन आया तो उस टाइम पे लोगों ने पूरे वर्ल्ड वाइड में टेलीफोन्स के लिए नेटवर्क के लिए केबल्स बिछाए गए। तो समझ लीजिए यहाँ पे एक केबल बिछाया गया, थोड़ी राइटिंग मीन्स ड्राइंग गंदी है फिर भी चला लीजिएगा, ये केबल को बिछाया गया जो केबल क्या है, एक टाइप का टेलीफोन केबल है। टेलीफोन केबल आप ऐसा समझ लीजिए, बस आप कंफ्यूज मत होइए टेलीफोन केबल क्या होता है, बस आप ऐसा समझिए ये केबल में जो डेटा है ना वो कुछ इस तरीके से फ्लो करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, अब हम एक टॉपिक में ये भी पढ़ेंगे कि सिग्नल जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल, मतलब ओनली नॉट अबाउट डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, हम उसमें भी कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे, बट अभी के लिए छोड़ते हैं, अभी के लिए हम बस इस पर डिटेल पे अंदर करते हैं। तो जो ये वायर है ना वो क्या करता है, ओनली एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। अब हमारे पास एक आइडिया है, मतलब हमारे पास नहीं, जिन्होंने सोचा उनके पास आइडिया आया, क्यों ना हम इधर कुछ ऐसा एक डिवाइस बनाए जो क्या करे, इस डिजिटल सिग्नल को चेंज कर दे एनालॉग सिग्नल में, और फिर वही डिवाइस सेम ले जाके इधर रख दें, थोड़ा मतलब जो वर्क फंक्शनलिटी उसको उल्टा करवा दें, और ये जो एनालॉग सिग्नल है वापस से डिजिटल कर दे, मतलब यहाँ से जो डेटा जाएगा वो जाएगा अपना एनालॉग सिग्नल में और फिर यहाँ पे जाके वापस डिजिटल हो जाए। तो तब यहाँ पे आविष्कार हुआ क्या हुआ था, किसका, मॉडेम का। अब जो मॉडेम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, और जो ये है इसका मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा डीमॉड्यूलेटर। ओके ठीक है, सो मॉडेम का मतलब क्या हो गया, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसका यही नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं मॉडेम, मतलब कोई नाम नहीं मिला तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडेम बन गया। ओके सो पहली बात आपको याद नहीं रखना है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मॉड्यूलेटर का काम क्या है, कौन सा किसमें कन्वर्ट करता है, तो ध्यान रखिएगा मॉड्यूलेटर जो है ना डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। अब आपको रट्टा मारने की नहीं जरूरत है, आप बस ऐसा समझ लीजिए, सिनेरियो ले लीजिए, आपको ध्यान हो जाएगा कि भाई डेटा मुझे भेजना है, अपने फ्रेंड को भेजना है, तो जब मेरे लैपटॉप से डेटा, पीसी से लैपटॉप डेटा निकलेगा तो कहाँ जाएगा, वो कौन सा टाइप का डेटा होगा, वो बोले सर डिजिटल सिग्नल होगा, मतलब डेटा ही होगा लेकिन वो डिजिटल सिग्नल होगा, तो डिजिटल से सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा आपको एनालॉग में, तो वहां पे मॉडेम का मूव पहले आता है, मॉडेम का मूव मतलब मॉड्यूलेटर पहले आता है। तो मॉड्यूलेटर का काम क्या है, हमारा जो डिजिटल सिग्नल है उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, यही मेन काम है। अब आपको ध्यान हो जाएगा कि भाई मॉडेम क्या कर रहा है, डीमॉडेम क्या कर रहा है। ओके सो अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक है। ओके सो ये रहा मॉडेम, दिख रहा है आपको, मॉडेम के बारे में मैंने बता दिया कि ये मॉडेम क्या है, तो मॉडेम का हमारा शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो फैसिलिट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस ओवर एनालॉग कम्युनिकेशन। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अब एनालॉग कम्युनिकेशन की बात क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के हिसाब से और दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये हमारा मान लीजिए कंप्यूटर है, ये हमारा मॉडेम है। अब कंप्यूटर से जो भी डिवाइस का सिग्नल निकल रहा है वो डिजिटल सिग्नल निकल रहा है। अच्छा, आपके पास वो सवाल आया होगा पीछे कि सर तो यहाँ से जो डिवाइस से जो डेटा आ रहा है वो जो डिजिटल सिग्नल में आ रहा है, तो हम पूरा डिजिटल सिग्नल क्यों नहीं भेज रहे, क्योंकि जो दोनों के बीच में गैप है इंडिया और जर्मनी के बीच में, अगर उतना वायर बिछाए कौन से ऐसे वायर जो डिजिटल सिग्नल को एक्सेस करके ट्रांसफर कर सकते हैं तो कॉस्टली पड़ जाएगा, तो हमें तो कॉस्ट बचाना है, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं मॉडेम का। अब यहाँ पे आपको आधा ही फिगर दिख रहा होगा कि जहाँ से मॉडेम ने क्या किया, ओनली डिजिटल सिग्नल को एनालॉग कर दिया। अब यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ से फिर गो थ्रू होके मान लीजिए कहीं वापस से हम डी मॉडेम लगा के फिर हम किसी न किसी के पीसी पे भेज रहे होंगे, तो ये पूरा करिकुलम और एक्टिविटी रहा। अब इससे ज्यादा तो इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछते, फिर भी मैंने एक टॉपिक ऐड कर दिया कि भाई बस ये आखिरी, ये कुछ कोई पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ मॉडेम क्या है, आपको नाम भी याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट फिर भी जस्ट फॉर कि हाँ आपको पता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डायल अप मॉडेम। आप इसके अंदर सब टॉपिक में मत जाइए क्योंकि है टॉपिक्स बट थोड़े आपको ऐसा है कि यूज टू नहीं है, बस आपको थोड़ा नाम याद होना चाहिए। डायल अप मॉडेम हुआ, केबल मॉडेम हुआ, डीएलएस मॉडेम हुआ, फाइबर ऑप्टिक मॉडेम हुआ और वायरलेस मॉडेम हुआ। अब इसमें से मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है कि कोई अगर पूछता है तो फायर ऑप्टिक मॉडेम पूछ सकता है, वायरलेस मॉडेम के बारे में पूछ सकता है, तो आप समझिए
ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाइव लेके आया हूँ। ये आपको क्या दिख रहा है, इसे बोलते हैं ONT। ONT वन टाइप का फाइबर ऑप्टिक मॉडेम है। अब मॉडेम का काम मैंने आपको बता ही दिया कि जो डिजिटल सिग्नल आ रहा है उसे एनालॉग का सिग्नल में कन्वर्ट करना। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये वाला ब्लैक वायर है ना, ये कौन सा लेके आ रहा होगा, एनालॉग सिग्नल। उसने उसे क्या किया, उसे फाइबर ऑप्टिक्स के केबल में, फाइबर केबल के अंदर, मतलब हमारा जो आपको आइडिया होगा कि फाइबर जो केबल होता है उसके अंदर हम लोग की बात करते हैं, लाइट ट्रेवलिंग करता है ना कि सिग्नल। तो अलग अलग टाइप के मॉडेम से ना, मतलब अगर ऐसा नहीं होगा ना कि हर बार डिजिटल सिग्नल को हमें एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर हर बार एनालॉग सिग्नल को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एनालॉग सिग्नल आया, जिस एनालॉग सिग्नल को हमने कन्वर्ट किसमें किया होगा, हमने इसे कन्वर्ट किया लाइट्स में। तो यहाँ पे ये ONT का काम है। अब ONT क्या है, ONT कुछ नहीं, एक तरीके का फाइबर ऑप्टिक मॉडेम ही है, ठीक है। आप अगर इंटरनेट पे सर्च मारेंगे ONT करके, तो आपको और अगर जानकारी चाहिए, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछेगा, बट फिर भी अगर जानकारी चाहिए तो ये आखिरी है, इससे ऊपर नहीं। अब आता है एक और आखिरी, वायरलेस मॉडेम। अब वायरलेस मॉडेम को पूछे तो बोलना, सर आपने नाम सुना होगा बहुत जगह पे कि ये तो भाई एक्सेस पॉइंट है। एक्चुअल में एक्सेस पॉइंट ही वायरलेस मॉडेम है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, तो भैया ये कैसे हो गया, तो ये समझ लीजिए जो वाईफाई होता है ना, वाईफाई एक्सेस पॉइंट, वो एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो उसके पास दो टाइप के सिग्नल, कोई भी मान लीजिए अलग अलग टाइप के सिग्नल है, मान लीजिए उसके पास आ गया डिजिटल सिग्नल, तो उसने क्या किया, उस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी में चेंज किया। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर काम ही कर रहा है कि वो कोई एक टाइप को लेके दूसरे टाइप में चेंज कर दे रहा है। तो ये वाला जो काम है ना, फ्रीक्वेंसी से हो सकता है एनालॉग सिग्नल हो सकता है डिजिटल सिग्नल हो, उसे जो चेंज करने का काम है वो है मॉडेम का। मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, चेंजिंग वन सिग्नल टू अनदर सिग्नल, इट इज आइदर फ्रीक्वेंसी, इट इज आइदर व्हाट वी कैन से लाइट, और इट इज एनीथिंग, बट मॉडेम इज एक्चुअली फॉर कन्वर्टिंग वन सिग्नल टू अनदर सिग्नल फॉर ट्रांसमिटिंग और कम्युनिकेटिंग ओवर डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल। ओके, इससे ज्यादा मॉडेम के बारे में और कोई ना इंटरव्यू में पूछेगा, और ना कुछ इंटरव्यू में मैक्सिमम अगर पूछता है कि व्हाट इज मॉडेम, तो बोलना सर मॉडेम इज अ डिवाइस विच फैसिलिट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस ओवर एनालॉग कम्युनिकेशन। अगर थोड़ा डिफरेंट डिटेल में कोई जाता है कि जैसे भाई कहाँ आपने देखा है कहीं, तो आप ये एक एग्जाम्पल है आपके पास कि हाँ सर जैसे हमारे घर में फाइबर ऑप्टिक केबल अगर लगा है, अगर फाइबर वाले अभी तो मैक्सिमम टाइम आपको फाइबर ऑप्टिक केबल वाले दिखेंगे, तो हम लोग ONT का यूज करते हैं। ये भी एक टाइप का मॉडेम है, फाइबर ऑप्टिक मॉडेम, इससे ज्यादा नहीं, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। ओके, सो हम अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, हब और रिपीटर। ओके, सो हमारा अब टॉपिक होने वाला है हब एंड रिपीटर्स, ठीक है। सो मैंने आपको हब के बारे में भी थोड़ा बताया था, रिपीटर्स के बारे में भी थोड़ा बताया था। तो मैंने आपको जब बताया था तो आपको ध्यान में होगा, अगर ध्यान में है तो, कि मैंने बोला था जो एक्टिव हब है ना वो सिमिलर है रिपीटर के। तो आपके पास एक सवाल आना चाहिए कि अगर सर एक्टिव हब था तो रिपीटर आया है क्यों, क्या डिफरेंस है। तो यही सब हम थोड़ा डिटेल में आज देखेंगे। ओके, और दूसरी बात, अभी तक तो मैंने जो आपको पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया मॉडेम, उसके बाद मैं हब पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं रिपीटर पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा मैं आपको दो तीन चीजें वायर्ड के बारे में बताऊंगा जब नेक्स्ट लेक्चर में। सो ये जितने भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी फिजिकल लेयर पे काम कर रहे हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि फिजिकल लेयर क्या है, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया। सो हम जब वायर कंप्लीट कर लेंगे तब हम आपको डिस्कस करेंगे OSI मॉडल, वहां पे हम बताएंगे कि हमने एक्चुअल में फिजिकल लेयर पहले कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये बेसिक था इसलिए मुझे लगा कि शायद पहले मुझे ये कवर अप करना चाहिए, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हब पे जाते हैं। हब पे मैंने आपको दो बताया था कि सबसे पहले होता है हमारा एक्टिव हब, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है पैसिव हब। अब पैसिव हब और एक्टिव हब में क्या फर्क है, तो एक्टिव हब क्या करता है, पावर सप्लाई को रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई भी करता है सिग्नल को, पावर को रीजनरेट करना और एम्पलीफाई करना सिग्नल को। ओके, पैसिव हब सिंपली क्या करेगा, कनेक्ट करेगा सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क केबल एंड दे कंप्यूटराइज द एलिमेंट। ओके, सो कुछ चीजें हैं डिफरेंस, अभी हम बताएंगे आराम से। पहले आप इतना समझ लीजिए जो मैंने हब के बारे में आपको बताया भी था कि हब का मेन काम क्या है। अगर वो पैसिव हब है तो सिंपल सा काम है कि अगर ये वायर यहाँ पे खत्म हो जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ये ज्वाइन करके दे देगा, ठीक है, कनेक्ट करेगा सिग्नल, और वो एम्पलीफाई नहीं करेगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 100% डेटा था, 100% सिग्नल की स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे आते आते 80% सिग्नल की स्ट्रेंथ है, तो ये इसके आगे पैसिव हब क्या करेगा, इसे आगे फॉरवर्ड करवा देगा, फॉरवर्ड करवा देगा, लेकिन उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो 80 ही रहेगी, वो ऐसा नहीं होगा कि 100 होके आ रही है। सो ये एक्टिव हब की कमी थी, पैसिव हब की कमी थी। एक्टिव हब में हमने क्या देखा था कि अगर मान लीजिए यहाँ से एक सिग्नल आ रहा है, अगर वो 100% है
और आते आते वो कहाँ पे 80% या 20% हो गया, तो जो ये है हमारा एक्टिव वर्ब उसे वो क्या कर रहा है, उसे वो वापस से वो एम्पलीफाई और क्या कह सकते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ करके 100% कर दे रहा है। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा तो हम क्लियर करेंगे, डोंट वरी। पहला एक वक्त जा रहा है तो सर फिर एम्पलीफायर और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है करेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा आगे बात पढ़ते हैं फिर पूरा सीनेरियो कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद फिर आप बात करते हैं रिपीटर की, तो रिपीटर को भी हम लोग ने डिफाइन किया कि सर रिपीटर क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है और जनरेट करता है इनकमिंग सिग्नल को, तो ये एक्टिव वर्ब और हमारा जो रिपीटर है सिमिलर है, ओके सिमिलर भी है, तो डिफरेंस क्या है सर, क्यों हमें रिपीटर की जरूरत पड़ी और क्यों हमारा जो एक्टिव वर्ब है वो रिपीटर की जगह पे मतलब एक्टिव वर्ब को हम क्यों यूज नहीं कर सकते, क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, ओके इसे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं कि जो रिपीटर है, अब इसमें भी अलग अलग टाइप है, डिजिटल रिपीटर है, एनालॉग रिपीटर है, बट मैं इसके बारे में आपको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा आगे जाके एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिटेल, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो ओके ये पहले से आगे, ओके कोई बात नहीं। सो सबसे पहले बात करते हैं मॉडेम की, हमने मॉडेम की तो बात कर ली, एक्सेस टू इंटरनेट, हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। अब आप ये समझ लीजिए इंटरनेट कैसे प्रोवाइड कर रहा है कि भाई मेरे लैपटॉप से या मेरे पीसी से जो सिग्नल गया एनालॉग सिग्नल सॉरी डिजिटल सिग्नल उसे कन्वर्ट किया गया एनालॉग सिग्नल में, जो पूरा इंटरनेट कनेक्शन है वो हमारा एनालॉग सिग्नल पे चल रहा है क्योंकि जो कनेक्टिविटी है जो वायर से डेटा आ रहा है वो हमारा एनालॉग सिग्नल पे आ रहा है, लोग उसे यूज कर रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव के लिए। तो इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं एक्सेस टू इंटरनेट, इजी इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन में कोई लफड़ा है नहीं आपका, मतलब अभी आपने इंस्टॉलेशन रियल लाइफ का नहीं देखा बट ईजी होता है, आप समझ लीजिए ऐसा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा तो है नहीं मॉडेम को आपको कि मॉडेम में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, अब जब सॉफ्टवेयर नहीं है ना तो वो डिवाइस हमेशा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, याद रखिएगा जहां पे सॉफ्टवेयर है वहां पे सिक्योरिटी की खतरा है क्योंकि नोकिया 1100 और 3300 को कोई हैक नहीं कर सकता। हैक किसे किया जा सकता है, एक आईफोन को या फिर एंड्रॉइड डिवाइसेस हैक होते हैं, तो वो वाली चीज जहां पे आपको ज्यादा चीजें ऑप्शन में मिलती है ना वहां पे थोड़ा खतरा भी होता है। अब जैसे मॉडेम क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। वाइड स्प्रेड कंपेबिलिटी है, मतलब बहुत जगह यूज होता है एक्चुअल में मॉडेम का, यूज बहुत ज्यादा है, आपने ज्यादा जगह दिखा नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया उसे भी। कुछ घाटे क्या है, तो लिमिटेड स्पीड है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई स्पीड है, इसीलिए तो फिर गेम में आया था फाइबर ऑप्टिक केबल, अगर इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती तो हाँ कनेक्शन स्पीड ठीक ही है लेकिन लिमिटेड है, मतलब आप ऐसा चाह रहे हैं ना कि आपका एक सेकेंड से भी कम का टाइम लगे तो वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल पे आ जाता है, तो वहां पे फिर आपका तकलीफ हो सकता है, ठीक है। फिर आपका कनेक्शन इंटरप्शन हो सकता है, अब इसमें कनेक्शन इंटरप्शन में आप समझ लीजिए कंजक्शन हो सकता है कि एक ही वायर इसमें अलग अलग आ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। बैंडविड्थ की स्पीड, वही जब आप स्पीड की बात करते हैं तो बैंडविड्थ अपने आप आ जाता है। और वल्नरेबिलिटी इन इंटरफेरेंस, मतलब हो सकता है जो डेटा है आपका ना जब ट्रैवलिंग कर रहा हो एनालॉग सिग्नल में तो वहां पे कोई वल्नरेबिलिटीज आ सकती है। वल्नरेबिलिटीज मतलब समझ लीजिए कि 2-3 अलग अलग सिग्नल आपस में कन्फ्लिक्ट हो जा रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। ये मॉडेम के बारे में हमने मोटा मोटा पढ़ लिया था, फिर भी थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया, हब आने वाला है डोंट वरी। हब आया, हब का सबसे पहला हमने देखा कि भाई हब क्या कर रहा है, सिग्नल रीजनरेशन कर रहा है, मल्टी पोर्ट है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कि एक्चुअल में हब और रिपीटर के बीच में डिफरेंस है क्या। दूसरा नेटवर्क मैनेजमेंट है और इजी टू इंस्टॉल है, इसे समझाता हूं मैं। पहले थोड़ा हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कॉस्ट और लिमिटेड स्केलेबिलिटी। एक्चुअल में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी थोड़ा अलग वे में हम देखेंगे इसे, ओके। अब हम अगला पहले चल जाते हैं रिपीटर पे कि रिपीटर क्या है। तो रिपीटर सिग्नल एम्पलीफाई कर रहा है, ये मैंने आपको बताया, एक्सटेंड करता है रेंज, सिग्नल को रीजनरेट करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ओके। कैसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये भी हम देखेंगे, इंक्रीज करता है लेटेंसी और डिपेंड ऑन द पावर, ओके। अब ये चीज मैं आपको आऊंगा, अभी हम डिफाइन करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है एक्चुअल में, ठीक है, ओके। सो आप ऐसे समझिए कि जो एक ये मान लीजिए मेरी नेटवर्क टोपोलॉजी है, सबसे पहले हम जो डिफरेंस की बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है रिपीटर और हब में, जो मेन जानना जरूरी है। तो देखिए ये अगर मान लीजिए अगर हब है, रिपीटर है, पहले हम रिपीटर से स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए ये रिपीटर है, सो रिपीटर का प्रॉब्लम क्या, उसके पास केवल 2 पोर्ट होता है। ओनली कितने पोर्ट्स होते हैं, ओनली उसके पास कितने पोर्ट्स होते हैं, 2 पोर्ट्स होते हैं, ये मतलब 2 पोर्ट वाला डिवाइस है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया ना प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे पास 4 वायर आ रहे हैं तो रिपीटर का काम क्या, नहीं भाई मैं तो 2 ही कर पाऊंगा तो मुझे एक और यहाँ पे 2 और रिपीटर चाहिए होगा, बोले हाँ। इसी के कारण आपको ये दिख रहा होगा कॉस्ट इफेक्टिव, क्यों, रिपीटर में बस 2 पोर्ट है, हल्का सा काम करता है, या तो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और फिर ट्रांसमिट कर देगा, आगे ट्रांसमिट करेगा, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव हो गया।
तो रट्टा मारना नहीं, आपको बस सीनेरियो आप समझते चलिए, अपने आप आपको आंसर मिलती जाएगा कि सर पेपर में भूला जा रहा है, कोई भूलोगे नहीं। रिपीटर के पास कितने पोर्ट होते हैं? 2 पोर्ट होते हैं, इसलिए वो कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भाई 2 ही पोर्ट है और 2 ही काम करता है, एक सिग्नल को ट्रांसमिट करने का और एक जनरेट करने का, मतलब एम्पलीफाई करने का। सो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, ओके। सिग्नल रीजनरेशन अपने को पढ़ी रहे तो आपको याद होगा ना, एक्सटेंड कर रहा है रेंज, ओके, सिग्नल एम्पलीफाई कर रहा है, ओके। अब बात आती है कि रिपीटर का एक और 2-3 चीज और आप जान लेनी चाहिए, जो आपको मेरे को लगता है इंटरव्यू में या पेपर में बोलने लायक चीज है। पहला, फिर अगला आता है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 4 डिवाइसेस हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये मैंने मान लीजिए बस टोपोलॉजी बनाया, अभी हम टोपोलॉजी पे भी आगे बात करेंगे। सो ए ने कोई डिवाइस से डेटा भेजा, सो वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है? बिल्कुल, अगर वो रिपीटर है तो रिपीटर क्या करेगा, जैसे कि ए ने भेजा सी को, तो जब ए के पास डेटा आएगा तो रिपीटर सिंपली उसे भेज सकता है। ऐसा नहीं कि रिपीटर ओनली सिग्नल को रीजनरेट ही कर रहा है, अगर ये देखेगा कि भाई ए का जो सिग्नल आ रहा है वो 10% हो गया, तो उसे रीजनरेट भी करेगा और सी तक भेजेगा। तो फॉरवर्डिंग करता है रिपीटर? बिल्कुल करता है। फिल्टरिंग करता है कि नहीं? फिल्टरिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो ए है ना, वो यहाँ पे ये जो ए है, ए ने जो डेटा भेजा, फिल्टरिंग आउट करने का मतलब कि उसे भेजना था ओनली सी को, तो क्या रिपीटर ओनली सी को भेजेगा? नहीं, जो पहला वर्ड है फॉरवर्डिंग, इसका मतलब यही है कि रिपीटर क्या करेगा, ए को बी को भी भेजेगा, सी को भी भेजेगा, डी को भी भेजेगा। रिपीटर को कोई मतलब नहीं है भाई, कोई पता ही नहीं उसे कि किसे भेजना है किसे नहीं भेजना। वो क्या किया, उसके पास एक सिग्नल आया, उसके पास जितने रास्ते सब जगह भेज दिया, मतलब जैसे यहाँ से सिग्नल आ रहा है और यहाँ पे अगर रिपीटर है तो रिपीटर के पास यहाँ पे एक रास्ता है, तो क्या करेगा, यहाँ पे भेज देगा और यहाँ पे भेज देगा। रिपीटर को ये भी दिखेगा एक रास्ता, यहाँ से तो आया है तो इसके अलावा बाकी जितने रास्ते सब जगह भेज देगा। तो रिपीटर का आपको समझ में, सबसे पहले 2 पोर्ट डिवाइस है, दूसरा फॉरवर्डिंग करता है, तीसरा हमारा फिल्टरिंग कर रहा है, ठीक है, फिल्टरिंग कर रहा है नहीं कर रहा, सॉरी नो फिल्टरिंग, कोई फिल्टरिंग नहीं है। चौथा कोलिजन डोमेन है। कोलिजन डोमेन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक ही टाइम पे यहाँ से 2 लोग जो हैं और 3 लोग और यहाँ पे 3 डिवाइसेस हैं, और क्या कि एक ही टाइम पे 6 लोगों ने भेज दिया डेटा, तो ये क्या करेगा, पहले एक ही से भेजेगा, एक ही से भेजेगा, एक ही से भेजेगा, एक ही से भेजेगा, ऐसे ऐसे करके मतलब टोटल अगर आप देखेंगे 6 लोग हैं, 6 ने अपने जो डेटा सेंड किए हैं, तो थोड़ा सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो लगभग 15 सिग्नल अगर उसे भेजने कम से कम सबको एक एक करके तो जाएंगे, और अगर टोटल सिग्नल देखा जाए तो कम से कम 36 सिग्नल उसे भेजने पड़ेंगे, तो यहाँ पे कॉल्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर वो ऐसा कर रहा है कि एक बार में एक सिग्नल भेजता तो 16 या 15 में भेज काम बन जाता, लेकिन ये क्या कर रहा है, कॉल्यूजन क्योंकि फिल्टरिंग आउट है नहीं, तो टोटल उसे 36 बार डेटा भेजना पड़ेगा। एक आया तो उसने 5 को भेजा, फिर बी का आया फिर 5 को भेजा, सॉरी माफ करना 30, कम से कम 30 बार उसे मैसेज सेंड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो कॉल्यूजन डोमेन है। तो ये हमारा रिपीटर का जो हमने पहले पार्ट पढ़ा वो क्या था, नेटवर्क के बेस पे। जो दूसरा पार्ट है वो कैसा है, थियोरी के बेस पे, कि जैसे कोई पूछ ले कि भाई ठीक है सिग्नल एम्पलीफाई कर रहा है, सिग्नल रीजनरेट कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन और क्या चीजें हैं, तो ये सब चीजें आप पेपर में और एड ऑन करके लिख सकते हैं, जो या इंटरव्यू में बोल सकते हैं, जिसमें कमाल की बात होती है कि सर 2 पोर्ट का डिवाइस है सो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, फॉरवर्डिंग करता है, फिल्टरिंग नहीं करता, कोलिजन डोमेन है कि भाई कोलिजन हो सकता है। फिर बात करते हैं, अब बात करते हैं कि हब की, जो हमारा कब से सवाल आ रहा था कि जो एक्टिव हब है वो, मैंने जब भी आपको दिखाया होगा आपने ये देखा होगा कि टेंस टू या सिमिलर टू हमारा रिपीटर है, कभी मैंने इक्वल नहीं बोला, अगर इक्वल बोल दिया ना मतलब वहां पे बात खत्म हो गई। तो जो हब है ना, हब में ना पोर्ट्स बहुत सारे हैं, हब में जो हमारे पास पोर्ट्स हैं ना जनरली 8K, 16K, 24K पोर्ट्स हैं, तो यहाँ से समझ में आ गया कि ओके ये बहुत सारी चीजों को एक साथ एड ऑन कर सकता है, मतलब 2 से ज्यादा PC हैं या 2 से ज्यादा वायर्स 2 से एड ऑन कर सकता है हब। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपोर्ट रिपीटर। रिपीटर जैसा ही है लेकिन मल्टीपोर्ट्स हैं इसमें, ठीक है, ओके। दूसरा, रिपीटर का क्या प्रॉब्लम था कि मान लीजिए ये जो हमारा रिपीटर है, ये हमारा रिपीटर, यहाँ पे ये हमारा डिवाइसेस हैं, यहाँ पे हमारा डिवाइसेस हैं। अब अगर इस वायर में प्रॉब्लम है और इंटरनेट का आपने वो कोई डेटा भेजा, ए से मान लीजिए भेजा आपको, आपने इधर सी पे डेटा नहीं जा रहा, तो आप रिपीटर को इंडिकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ये वाला खराब है या ये वाला वायर खराब है। लेकिन यहाँ पे हब में ना एक क्वालिटी होती है कि वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ब्लिंकिंग लाइट्स। इधर ब्लिंकिंग लाइट्स होती है, मान लीजिए इसमें टोटल 8 पोर्ट हैं तो 8 ब्लिंकिंग लाइट्स होंगी, जो लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा तो वहां से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं ओके ये वाला वायर चैनल में कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्ड लेवल डिवाइस है तो इसका काम इतना करना बहुत हो गया, मतलब इसने अगर इतना आपको बता दिया कि भाई इस वायर में प्रॉब्लम है, या जैसे कि आपने पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट किया और पोर्ट नंबर 1 का वो ब्लिंक इट करना बंद कर दिया कि भाई पोर्ट नंबर 1 में प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है ओके। तो मैंने आपको एक और बात बोला था, या सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की जब बात आती है, सो वो
डिसएडवांटेज कब है, अगर कोई पूछे कि भाई हब का डिसएडवांटेज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है उसे एक्सप्लेन करो, तो वहां पे दो तीन चीजें हैं। अगर हब ने बस टोपोलॉजी लेके रखी हो तो हम कह सकते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर हब ने लूप या फिर रिंग टोपोलॉजी में कुछ काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, बट अगर वो स्टार टोपोलॉजी में तो नहीं कह सकते। तो ये थोड़ा अगर कोई कंफ्यूजन करता है कि भाई स्टार टोपोलॉजी है और मैं हब यूज कर रहा हूँ तो क्या सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या डिसएडवांटेज है, तो नहीं एक तरीके से, क्योंकि अगर मान लीजिए ये वाला वायर जाता है तो ये और बाकियों पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो चीज ध्यान रखनी है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ऑफ कोर्स, बट जब हम बस टोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं या फिर हम रिंग का यूज कर रहे हैं जिसमें लूप है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आ सकती है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। कॉस्ट का है थोड़ा, डेफिनेटली रिपीटर से महंगा होता है। क्यों महंगा है? क्योंकि आपको कुछ प्रोवाइड कर दे रहा है इन्फॉर्मेशन, दूसरा मल्टीपोर्ट रिपीटर है, बहुत सारों को एक साथ ज्वाइन कर सकता है। फॉरवर्डिंग का इसमें भी है, ये फॉरवर्ड करता है, अगर एक तरफ से मैसेज आए तो बाकी हर जगह भेज देगा। फिल्टरिंग इसमें भी नहीं है, कोलिजन डोमेन इसमें भी है, इसमें भी अगर एक तरफ से आ रहा है सबने मैसेज किया तो ये सबको भेजेगा, तो उसमें भी कोलिजन डोमेन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हब, रिपीटर, मोडेम। अब आपके पास एक दो सवाल और बचा होगा जो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। जैसे पहला कि सर अगर हम बात करते हैं रिपीटर की या बात करते हैं एक्टिव हब की, तो ये सब क्या कर रहे हैं? सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम कर रहे हैं। तो जो हमारा एम्पलीफायर है एक्चुअल में वो भी तो यही काम करता है, तो हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो सबसे पहले एम्पलीफायर जो है ना, वो एम्पलीफाई जो करता है सिग्नल को, तो अगर मान लीजिए सिग्नल 10% है और पहले 100% था, तो एम्पलीफायर उसे ना 200% भी कर सकता है। ठीक है, तो ये है एम्पलीफायर, मतलब 100 का 200 भी कर सकता है, 10 का 100 भी कर सकता है। लेकिन जो रिपीटर और हब है ना, उनका काम क्या है कि भाई 100% से आया था, 10 हो गया, हम रीजनरेट करके इसे 100 तक ही पहुंचा सकते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंट है। एम्पलीफायर का वर्क ओनली ऐसा ही है, और अपना जो एम्पलीफायर की मतलब भाई अगर पावर अप कम हो रहा है तो उसे आप खुद से मैनेज कर सकते हैं कि भाई मुझे पावर कितना अब तक अपना उसको सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब हमने देख लिया मॉडेम, हब, रिपीटर, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे क्या है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज बता देता हूँ इसके आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा सिंपल सा नेटवर्क। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक लैपटॉप है, एक पीसी है, एक स्मार्टफोन भी कनेक्ट है, यहाँ पे कोई राउटर है, यहाँ पे हमारा पीसी है, यहाँ पे स्विचेस हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास फिर से राउटर है, ओके, फिर यहाँ पे स्विचेस और पीसी उसी से आपको सिंपल एक हमारे को नेटवर्क डायग्राम दिख रहा है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये बात कि अगर ये प्लेलिस्ट आपने कंप्लीट पढ़ा तो ऐसा टोपोलॉजी आप खुद से बना सकेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि जहाँ पे आप नेटवर्क इंजीनियरिंग का जॉब देखते हैं वो आप कर सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि फिर मैंने आपको इसमें हर चीज समझाऊंगा। जैसे कि अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा आने वाला है कि यहाँ पे जो ये वायर है वो डॉटेड क्यों है, और यहाँ पे जो ये वायर है वो पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग बोल्ड में क्यों है, क्यों डॉटेड और ये स्ट्रॉन्ग अलग है, डिफरेंस क्या है इसमें, ये देखने वाला, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं आप, नेटवर्क अपना आप नेटवर्क के लिए कह सकते हैं नेटवर्क इंजीनियर कंप्लीट कर सकते हैं। अब यही नहीं, इसके अलावा दूसरा देखिए, ये भी नेटवर्क, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे मैंने कुछ चीजें जोड़ी नहीं, जैसे ये वाली यहाँ से, ये वाली यहाँ से, ये तो हम कनेक्ट करेंगे फ्यूचर में, फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या कनेक्ट है, बट ये सब आपके आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तो यह हम बहुत कुछ सीखेंगे, हम इतना डिटेल में सीखेंगे कि नेटवर्किंग इससे ऊपर आपको कोई पूछेगा नहीं, तो ये सब होने वाला है। डोंट वरी, आराम से आप लेक्चर का एंजॉय करिए। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, मॉडेम पढ़ा, हब पढ़ा, रिपीटर पढ़ा, धीरे धीरे चलेगा, आराम से चलेगा, क्योंकि हर कुछ डिटेल में छोड़ना चाह नहीं रहा। सो ये पूरा कंप्लीट रहेगा। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।